रेप केस में फरार चल रहे यूपी के कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। सोमवार को उनके गनर और इस मामले में सह आरोपी चंद्रपाल की गिरफ्तारी के बाद दो और आरोपियों को धर दबोचा गया है। यूपीएसटीएफ ने दो सह आरोपी अशोक तिवारी और आशीष शुक्ला को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उन दोनों को लेकर नोएडा से लखनऊ आ रही है। चंद्रपाल से पूछताछ जारी है। उसे सह आरोपी बनाए जाने के बाद पुलिस विभाग से निष्कासित किया गया था। वीजा बैन को लेकर ट्रंप प्रशासन ने नया आदेश जारी किया है। इसके अनुसार 6 मुसलमान बहुल देशों से अमेरिका आने वालों को नए वीजा जारी नहीं किए जाएंगे, लेकिन जिनके पास पहले से ही वीजा या ग्रीन कार्ड है उन पर रोक नहीं लगेगी। नए आदेश में इराक को राहत मिली है। ट्रंप प्रशासन का ये नया आदेश सूडान, सीरिया, ईरान, लीबिया, सोमालिया और यमन से आने वालों पर लागू होगा। जनवरी में जारी किए गए आदेश में इस सूची में इराक को भी रखा गया था, लेकिन अब वो इस सूची में नहीं है। साथ ही हवाई अड्डों पर पिछली बार की तरह अफरा तफरी नहीं फैले, उसके लिए सभी एजेंसियों को 10 दिन का वक्त दिया गया है और ये नया आदेश 16 मार्च से लागू होगा। पिछली बार जिन लोगों के पास वीजा और ग्रीन कार्ड थे उन्हें भी रोका जा रहा था, जिसके बाद पूरी दुनिया में काफी हंगामा मचा था। मेदांता अस्पताल की एक एयर एम्बुलेंस बैंका के पास क्रैश हो गई। इस हादसे में एक एयर एम्बुलेंस के पायलट की मौत हो गई, जबकि 4 क्रू मेंबर घायल हैं। घायलों को सेना के हेलीकॉप्टर से बैंकॉक अस्पताल ले जाया गया। आग लगने के कारण विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने रात ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी। सुषमा ने सिलसिलेवार कई ट्वीट में कहा, मेदांता अस्पताल की एयर एम्बुलेंस में 5 लोग सवार थे। इसमें आग लग गई, जिस कारण बैंकॉक के पास विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बैंकॉक स्थित हमारे मिशन ने सूचना दी है कि एयर एम्बुलेंस के पायलट अरुणाक्ष नदी की मौत हो गई है। विदेश मंत्री ने पीड़ित परिवार के प्रति सांत्वना व्यक्त करते हुए कहा, घायलों की हर तरह से मदद की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक से दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में मौत की सजा पाए 4 दोषियों की आचरण रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा, हमारी राय में जेल अधीक्षक को आरोपी व्यक्तियों के आचरण के संबंध में रिपोर्ट दायर करनी चाहिए, क्योंकि वो पिछले 4 सालों से हिरासत में हैं। इससे उनके आचरण पर रोशनी पड़ सकती है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, मामले की अगली सुनवाई पर जेल अधीक्षक द्वारा उनके आचरण के संबंध में सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट आने दीजिए। पीठ ने कहा कि चारों दोषियों मुकेश, पवन, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह की तरफ से पेश हुए वकीलों ने ऐसा हलफनामा दायर किया है, जिससे उनके पक्ष में गंभीरता कम करने वाले स्थितियों का विवरण है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 20 मार्च तय की है और जेल अधीक्षक से उस दिन रिपोर्ट दायर करने को कहा है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार महमूद अली दुर्रानी ने अपने देश के आतंकी गुटों के भारत पर हुए हमलों में शामिल होने का खुलासा किया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद किसी काम का नहीं है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दुर्रानी ने कहा कि पाकिस्तान सरकार को अपनी सरजमीं पर पनप रहे आतंकवादी गुटों को खत्म करना चाहिए। लश्करे तैबा जैसे कई आतंकी गुटों के सरगना हाफिज सईद की पाकिस्तान के लिए उपयोगिता के सवाल पर उन्होंने कहा कि उसकी देश के लिए कोई उपयोगिता नहीं है और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड को सजा दी जानी चाहिए।